Good morning, dear students. Welcome to science class. Bichhu, today our topic is satellite. And after watching this video, you will be able to learn the term satellite, difference between artificial natural satellite, phases of moon, geostationary satellite, and what is satellite. A satellite is a small object that revolves around a much larger object. That object जो किसी बड़ी ऑब्जेक्ट के चारों ओर मूव करती है जैसे मून है हमारे अर्थ का सेट नेचुरल सेटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर मूव करता है टाइप्स ऑफ सेटेलाइट नेचुरल सेटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटेलाइट नेचुरल सेटेलाइट जो नेचुरली स्पेस में है, मीन्स जो पहले से ही कुदरती भगवान ने जो बनाई हुई है उसे हम नेचुरल सेटेलाइट कहते हैं एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट दैट इज़ मैन मेड सेटेलाइट जो मनुष्य ने अपने यूज़ के लिए लॉन्च की हुई हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट कहते हैं जो अर्थ का जो सेटेलाइट है वो मून है दैट इज़ नेचुरल सेटेलाइट है ओके okay? तो अर्थ जिसे हम लूना कहते हैं और जुपिटर के सिक्सटी वन मून्स हैं मार्स के फोर मूनस हैं और अर्थ जो है अपने चारों ओर मूव करती है ट्वेंटी फोर आवर्स में और मून अर्थ के चारों ओर मूव करता है और ये अपना जो एक चक्कर है ट्वेंटी एट डेज में कंप्लीट करता है ओके okay? तो हम देखते हैं कि हमें कभी चांद पूरा दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है और कभी उसका कुछ पार्ट दिखाई देता है तो इसे जो है ये ऐसा क्यों होता है दिस इज़ ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ मून एंड विद रिस्पेक्ट टू द सन तो अभी मैं आपको फेसेस ऑफ मून के बारे में बताऊंगी जो मून है इट इज़ ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मींस इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है तो ये हमें चमकता हुआ कैसे दिखाई देता है यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर ये सनलाइट है अर्थ पर पड़ रही है उसका कुछ पहाड़ जो है वो मून रिफ्लेक्ट करता है और

मूव करता है और ये नियरली ट्वेंटी एट डेज में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है लुक यू कैन सी इन दिस वीडियो दिस इज मून एंड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है और इसकी जो पोजीशन चेंज होती है उसी के कारण ये हमें कभी पूरा कभी नहीं दिखाई देता एवरी डे द शेप एंड द साइज ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज इज ग्रेजुअली डेली मून की जो शेप है चेंज होती है दिखाई देती है जिसे हम फेजिज ऑफ मून कहते हैं यू कैन सी इन दिस वीडियो अर्थ मूव कर रही है अपने एक्स पर अपने एक्सेस पर और मून अर्थ के चारों ओर मूव कर रहे हैं तो व्यू फ्रॉम द अर्थ में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मून की जो है शेप डेली चेंज हो रही है ड्यू टू रोट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेवल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ क्योंकि वो अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है और जब सन अर्थ और मून की पोजिशन चेंज होती है तो, तो इसकी भी शेप चेंज होती है द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द मून इज ड्यू टू रेलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड मून विद रिस्पेक्ट टू द सन द डिफरेंट अपियरेंस ऑफ मून ऑन डिफरेंट डेज आर नोन एज फेजिज ऑफ मून अलग अलग दिन जो मून की जो शेप है वो हमें दिखाई देती है उसे हम फेसिस ऑफ मून कहते हैं यू कैन सी किस टाइप से मून की शेप चेंज हो रही है ये जो ब्राइट है दिस इज मून है द तो फेसिस आर सेपरेटेड बाय फिफ्टीन डेज जो जब बिल्कुल डार्क होता है मीन्स हमें जब मून दिखाई नहीं देता है दिस इज कार्ड अमावस और न्यू मून और जब हमें पूरा ब्राइट मून दिखाई दे रहा है द कंप्लीट ब्राइट फेस होता है मून का दैट इज कार्ड पूर्णिमा और, days, और फुल मून डे दीज फेजिज आर सेपरेटेड बाई फिफ्टीन डेज मीन्स अमावस और न्यू मून के फिफ्टीन डेज बाद फुल मून आता है फुल मून के फिफ्टीन डेज बाद न्यू मून डे आता है और उसके बाद जो मून है नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर्टिफिशियल सेटेलाइट वो ऑब्जेक्ट हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हैं और वो अर्थ के चारों ओर मूव करती हैं दे आर हावेर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मूव और ये मून के मूव से ज़्यादा पास हैं मीन्स अर्थ के, के पास हैं मून के कंपेयर में वट आर दूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्यों लॉन्च करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों बनाए जाते हैं क्या यूज़ है उनका तो इसके यूजेज़ हैं फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन ये जो हम मोबाइल पे बात करते हैं हम यहाँ बैठे हैं और इतने अमेरिका में बात करने कनाडा में बात करने तो हम कर पाते हैं ओनली एंड ओनली ड्यू टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेविगेशन मिलिट्री रिमोट सेंसिंग ट्रांसमिटिंग रेडियो और टी के जो सिग्नल्स हैं एंड वेदर फॉरकास्टिंग वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स आर्टिफिशियल सेटेलाइट की हेल्प से हम मौसम की पहले से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दैट इज़ कार्ड वेदर फोरकास्टिंग ओके तो ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट के मैंने आपको यूजेस बताए ओके तो इनके बहुत से यूज हैं नेक्स्ट आते टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर्टिफिशियल सेटेलाइट के भी टाइप हैं ये आपको लर्न नहीं करनी है दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज रिसर्च सैटेलाइट नेक्स्ट वेदर सेटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं और जो इंडिया ने जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपना लॉन्च किया 1975 में और जिसका नाम था आर्यभट्ट ये हमारे इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था कब लॉन्च किया गया था 1975 में आर्य भट्टा के नाम से तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ ने भी अपने बहुत से सैटेलाइट जो हैं लॉन्च किए हुए हैं और वहाँ स्पेस में भेजे हुए हैं आप देख पा रहे हो बहुत से सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में अलग अलग कंट्रीज़ ने भेजे और उनका वो यूज़ कर रही हैं हम हमारे इंडिया के भी एप्पल रोहिणी इनसेट चंद्रयान वन चंद्रयान टू बहुत से सैटेलाइट हैं तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट है स्पुटनिक वन इंडिया का मैंने आपको बताया 1975 में आर्यभट्ट और 1957 में वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट स्पुटनिक वन था और वो किसने लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने हमारे जो है रोहिणी एप्पल चंद्रयान भी बहुत से हमने भी सैटेलाइट जो हैं वहाँ पर स्पेस में लॉन्च किए हुए हैं नेक्स्ट आता है मैंने आपको टॉपिक बताया जियो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी का मीन्स क्या होता है कि द सेटेलाइट दैट नाउ मेक इट पॉसिबल टू हैव व्यू ऑफ एन इवेंट इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड आर वेरी स्पेशल सेटेलाइट दे टेक मच टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज द टाइम टेकन बाई अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिसोटरी द सेटेट दैट टेक्स एथ मच टाइम टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट मीन्स जितना धरती जो है हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर जो मूव करती है जितना टाइम लेती है रोटेट करने में और उतना ही टाइम कोई सैटेलाइट अगर अर्थ को मूव करने में ले रहा है तो रत अर्थ के चारों ओर मूव करने में जो टाइम लेता है तो उसे हम जियो स्टेशनरी कहते हैं मीन्स वो हमें घूमता हुआ नज़र नहीं आता क्योंकि उसका जो टाइम है मूव करने का और अर्थ का जो अपने चारों ओर मूव करने का टाइम है वो सेम होता है तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो वो सेटेलाइट मूव नहीं कर रहा है वो स्टेशनरी है मैं वो एक जगह पर खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है तो दैट तो इज़ कार्ड जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ओके स्टूडेंट नाउ आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड थैंक यू हैव ए नाइस